हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आरसीआई ऑनलाइन क्लास क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। वी आर कंटिन्यू डिस्कस चैप्टर 3। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, लेकिन कैलकुलेट करके डायरेक्टली हमें इसको रटना नहीं है, समझना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, If a number is divisible by 3, कोई number अगर वो 3 से divisible है, it must be divisible by 9। तो क्या वो 9 से भी divisible है? उसका solution देखते हैं। A part, if a number is divisible by 3, for example, कोई number हम ले लेते हैं, let a number 6। अब ये जो number 6 है, वो 3 से तो divisible है, बट 9 से डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स जो ए स्टेटमेंट है वो क्या है? फॉल्स। तो ए का आंसर क्या हुआ? फॉल्स। बी, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9, कोई नंबर अगर 9 से डिविजिबल है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, तो वो क्या 3 से भी डिविजिबल हो? तो देखते हैं, कोई नंबर अगर 9 से डिविजिबल है, फॉर एग्जाम्पल 18, कोई नंबर हमने क्या ले लिया? 18। अब 18 इज डिविजिबल बाय 9, डिविजिबल बाय 9। अब देखिए 9 के जो फैक्टर है, 9 से डिविजिबल है, तो 9 के फैक्टर क्या होंगे? 9 के फैक्टर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9 3 3 9 होंगे। तो जो 9 के फैक्टर हुए वो 3 × 3 हो। अब तो 9 के फैक्टर में 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 3 से भी क्या होगा? डिविजिबल होगा, गिवन नंबर 18, बिकॉज 9 के फैक्टर में 3 आ रहे हैं, तो ये क्या होगा? 18 3 से भी डिविजिबल होगा, 3 6 18। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ? ट्रू। आप और भी डिफरेंट एग्जांपल ले सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सी पार्ट, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ, कंडीशन देखिए, इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 और 6, कोई नंबर अगर 3 और 6 दोनों से डिविजिबल है, तो क्या वो 18 से भी डिविजिबल हो? तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने 30 नंबर ले लिया। अभी इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से पढ़ना, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18 कंडीशन बाद में, इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 और 6, कोई नंबर हम लेते हैं 30, तो 3 और 6 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। देखिए 30 के जब फैक्टर करते हैं, 30 के फैक्टर करेंगे, 2 से डिविजिबल 15 टाइम्स, अगेन 3 से डिविजिबल 5 टाइम्स, 5 से डिविजिबल 1 टाइम। तो 30 के जो फैक्टर हुए वो 2 × 3 × 5, ठीक है। अब देखिए फैक्टर में कैलकुलेशन में आ रहा है हमारे पास 30, 2 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, 15 से डिविजिबल, और इनके मल्टीप्लाई 3 × 2 = 6। देखिए 2 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा, गिवन नंबर से तो होगा, बट 3 × 2 = 6, 6 से भी डिविजिबल होगा, 2 × 5 = 10, 10 से भी डिविजिबल होगा, 5 × 3 = 15, 15 से भी डिविजिबल होगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, एंड 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 30, तो ये 30 से भी डिविजिबल होगा। अब देखिए इसके फैक्टर में हमारे पास 3 और 6 दोनों ही आ रहे हैं, 3 और 6, तो इसका मतलब 30 नंबर जो है वो 3 और 6 से तो डिविजिबल है, बट 18 से डिविजिबल नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा हमारे पास? सी, फॉल्स। तो आप ऐसे कोई डिफरेंट एग्जांपल भी ले सकते हो, नंबर कोई भी लें, लेकिन कंडीशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जैसे हमने 30 नंबर लिया, 30 में 3 का भी डिवाइड जा रहा है और 6 का भी जा रहा है, बट 18 से डिविजिबल नहीं है 30, तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ? फॉल्स। बी, डी पार्ट देखते हैं इसका, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 और 10 बोथ, कोई नंबर लेते हैं जो 9 और 10 दोनों से डिविजिबल, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90, तो क्या वो 90 से भी डिविजिबल हो? 9 और 10 में 9 × 10 क्या हो गया? जैसे 90, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई नंबर लिया 9, अब देखिए 90 9 से भी डिविजिबल है और 10 से भी, क्योंकि जब हम इसका फैक्टर करते हैं 90 के फैक्टर जब हम करेंगे, तो ये 2 से
by 45 times, 3 से divisible, 1, 15 times, and 3, 5 times, 5, 5 से divisible, 1. तो 90 के जो factor हुए 2, 3, 3, multiply 5. अब देखिए 90, 2 से भी divisible, 3 से भी, and 5 से तो है, लेकिन इनके multiply से भी divisible होगा. 3, 2 जा 6, 3, 3 जा 9. 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10. तो देखिए 9 एंड 10 दोनों नंबर आ रहे मल्टीप्लाई में, तो ये 99 एंड 10 से तो डिविजिबल, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90. तो ये 90 से भी डिविजिबल होगा, बिकॉज 5 3 जा 15, 15 3 जा 45 एंड 45 2 जा 9. तो ये गिवन नंबर 90 9 एंड 10 से तो डिविजिबल है, और 90 से भी क्या है डिविजिबल. तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ ट्रू. ऐसे ही आप और डिफरेंट एग्जांपल लेकर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. तो बाकी के जो क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स के, वो आपको ऐसे ही करने हैं, सॉल्व रटना नहीं है, समझ कर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन.